हेलो स्टूडेंट, अब हम करते हैं मांग की लोच के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले हमने तथ्य पढ़े थे, जो किसी वस्तु की मांग है वो केवल उस वस्तु की कीमत से ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि उपभोक्ता की आय और संबंधित वस्तुओं की कीमतों से भी प्रभावित होती है। तो किसी वस्तु की मांग अगर उसकी कीमत से प्रभावित होती है तो उसके आधार पर है मांग की कीमत लोच। अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है तो वो है मांग की आय लोच। और एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग को हम लेते हैं तो वो है मांग की आड़ी या तिरछी लोच। कहने का मतलब, अगर किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाली उस वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय और संबंधित वस्तुओं की कीमतें होती हैं, उस वस्तु की कीमत से मांग में परिवर्तन आएगा तो मांग की कीमत लोच, आय में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन आएगा तो मांग की आय लोच, और एक वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु की मांग को प्रभावित करेगी तो मांग की आड़ी लोच। कहने का मतलब, मांग की लोच के तीन प्रकार हैं। पहला है मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको कैसे लिखा जाता है, ई पी, पी यानी प्राइस, ई इलास्टिसिटी। दूसरा है मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको कैसे लिखा जाएगा, ई स्मॉल आई, ई आई, इनकम, आई फॉर इनकम, ई फॉर इलास्टिक, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर है मांग की आड़ी या तिरछी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें हम एक्स वस्तु की क्वांटिटी लेंगे और वाई वस्तु की प्राइस लेंगे। वाई वस्तु की प्राइस में परिवर्तन होने से एक्स वस्तु की मांग में जो परिवर्तन आएगा उसे एक्स वस्तु की मांग की आड़ी लोच कहा जाता है। तो इसमें जिस वस्तु की हम डिमांड लेंगे वो इसके पैर में लिखा जाएगा ई एक्स, यानी एक्स वस्तु की मांग की आड़ी लोच, क्योंकि हमने इसमें एक्स वस्तु की क्या ली है, मांग ली है, और वाई वस्तु की कीमत ली है। तो इन तीनों की हम डिटेल करते हैं। सबसे पहले है मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो हमने मांग की लोच का अर्थ और परिभाषा पढ़ी थी वो मांग की कीमत लोच ही है। अगर क्वेश्चन में आपको मांग की लोच लिखा आ जाए तो इसका मतलब मांग की कीमत लोच है। तो मांग की लोच और मांग की कीमत लोच अंडरस्टूड है कि ये मांग की कीमत लोच ही है, क्योंकि मांग को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, उस वस्तु की कीमत। तो यह है, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग में जो परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। तो पहले लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी किसके बराबर हो गया, मांग में प्रतिशत या अनुपातिक, दोनों में एक शब्द लिख सकते हैं, अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो इसका फार्मूला अभी हम कर रहे हैं, क्या आ गया, डेल्टा क्यू एक्स बटे क्यू एक्स बटे डेल्टा पी एक्स बटे पी एक्स। तो ये चेंज हो जाएगा, डेल्टा क्यू एक्स बटे क्यू एक्स इंटू, ये उल्ट जाएगा, पी एक्स बटे डेल्टा पी एक्स। यहाँ क्या आ गया, प्राइस इलास्टिसिटी किसके बराबर हो गया, यहाँ ये इधर लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, तो डेल्टा के नीचे डेल्टा लिखेंगे, डेल्टा क्यू एक्स बटे डेल्टा पी एक्स इंटू पी एक्स बटे क्यू एक्स। तो ये क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी। अब हम करते हैं मांग की आय लोच। मांग की आय लोच, तो अभी मैंने बताया इसके नाम से स्पष्ट है कि उपभोक्ता की इनकम में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग में जो परिवर्तन की प्रवृत्ति पाई जाती है उसे मांग की आय लोच कहते हैं। तो क्या है, उपभोक्ता की आय में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से वस्तु की मांग में जो अनुपातिक परिवर्तन होता है उसे मांग की आय लोच कहते हैं, इनकम इलास्टिसिटी। तो इसका सूत्र क्या हो गया, मांग की आय लोच, इसको कैसे लिखेंगे, ई आई। क्या आ गया, मांग में अनुपातिक परिवर्तन, अनुपातिक परिवर्तन बटे क्या लिखेंगे, ये आय लोच है तो आय में अनुपातिक परिवर्तन, आय में अनुपातिक परिवर्तन,
तो इसको सूत्र के रूप में कैसे लिखेंगे, ई आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एक्स बटे क्यू एक्स इस सारे के बटे डेल्टा आई बटे आई, आई फॉर इनकम। तो ये क्या आ गया, डेल्टा क्यू एक्स बटे क्यू एक्स इंटू आई बटे डेल्टा आई, या फिर ये क्या हो गया ई आई इज इक्वल टू, इसको यहाँ लिख देंगे इसको इधर लिख देंगे, डेल्टा क्यू एक्स बटे डेल्टा आई इंटू आई बटे क्यू एक्स। तो ये हो गया आय लोच, यानी आय में परिवर्तन अनुपातिक परिवर्तन होने से मांग में जो अनुपातिक परिवर्तन। तीसरा है मांग की आड़ी या तिरछी लोच, आड़ी क्रॉस इलास्टिसिटी, इसमें एक्स वस्तु की हम मांग लेंगे और वाई वस्तु की कीमत। तो मांग की आड़ी लोच करते हैं अब हम, तो ये तीसरा है मांग की तिरछी व आड़ी लोच। तो मैंने अभी बताया था आपको कि इसमें एक्स वस्तु की हम कीमत मांग लेंगे और उसमें परिवर्तन किसके कारण आएगा, वाई वस्तु की कीमत के कारण। तो एक वस्तु की हम मांग लेंगे और दूसरी वस्तु की कीमत, मांग की आड़ी लोच क्रॉस इलास्टिसिटी, इसको क्या लिखेंगे ई एक्स, अगर हमने एक्स वस्तु की मांग ली है तो। मांग की आड़ी लोच किसी एक वस्तु की मांग में वह अनुपातिक परिवर्तन है जो दूसरी वस्तु यानी वाई वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। तो मांग की आड़ी लोच क्या सूत्र होगा, मांग की आड़ी या तिरछी लोच, इसमें मान लो हमने x वस्तु की मांग ली है तो ई एक्स लिखेंगे इसको, x वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे y वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो ये क्या आ गया, ई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एक्स बटे क्यू एक्स, ये एक्स वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन हो गया, डेल्टा पी वाई बटे पी वाई, ये वाई वस्तु की प्राइस। तो ये क्या आ गया, डेल्टा क्यू एक्स बटे क्यू एक्स इंटू पी वाई बटे डेल्टा पी वाई, इसको इधर लिख दो ये इधर लिख दो, तो ई एक्स क्या आ गया, डेल्टा क्यू एक्स बटे डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई बटे क्यू एक्स। तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी का सूत्र आ गया, इसमें एक्स वस्तु की क्वांटिटी है और वाई वस्तु की प्राइस है। तो स्टूडेंट है ये हमने मांग की लोच के प्रकार किए, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मांग की लोच की श्रेणियाँ, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।